सर एक बार अपना परिचय दे दें। लियाकत अली एडवोकेट, सीनियर कैबिनेट मेंबर, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर। मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी के आप वकील हैं। मैं मुख्तार अंसारी राजवक्ता हूं। सर आज उन गैंगस्टर के मामले में दोनों भाइयों के ऊपर चल रहा था और फैसला जो है बिल्कुल आपके खिलाफ आया है, क्या बताएंगे, क्या था पूरा मामला और कैसे? देखिए, ये गैंगस्टर का मुकदमा जो है 2007 में थाना मोहम्मदाबाद में कायम हुआ था। इसमें जो है एक तो 29/11/2005 को जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी और एक मामला जो है रुकटा अपहरण कांड भेलूपुर वाराणसी का था। ये दो मुकदमा जो है विधायक मुख्तार अंसारी पर था और अफजल अंसारी पर एक मुकदमा था कृष्णानंद राय का। इसी दोनों मुकदमे को लेकर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज क्या हुआ है सर कोर्ट में? आज तो यही कि मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय द्वारा जो है 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है और माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय सांसद अफजल अंसारी साहब को 4 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्या इसके लिए आपने जमानत या इस तरह की अर्जी के लिए अपील की है? देखिए, अब हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायपालिका से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील फाइल करेंगे और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से माननीय उच्च न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। सर अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी देर बाद क्योंकि फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, केवल सुनाना था केवल इनको, इतनी लेट क्यों हुआ, इसका क्या कारण रखा है, क्या कोई कार्रवाई चल रही थी कोर्ट में या नहीं? देखिए, माननीय न्यायाधीश MP MLA कोर्ट द्वारा जो है ये फैसला दो पार्ट में सुनाया गया है। पहले 1 बजे मुख्तार अंसारी को फैसला सुनाया गया, 3 बजे अफजल अंसारी को सुनाया गया है। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों लोगों को अलग अलग फैसला सुनाया गया है।